दे रही दो दो मेजॉरिटी को तो करने में कोई फायदा नहीं है कैमजी बेचारा ये सही है सीधी सीधी मुझे करना है मुझे कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं ये सॉर्टेड है ना ये सॉर्टेड है फेयर है दिस इज फेयर कौन क्या मैं तीन पेपर निकाल रही हूं दिस इज फेयर आई थिंक दिस इज द अरे नहीं यार ये नहीं मुझे जाने के बाद कौन मेरा ख्याल रखेगा अगर ऐसा कर दिया उन्होंने मैं तो बोल रहा हूं सबको जान से नहीं उस पे नहीं जाना भाई टिश्यू के ऊपर हमारी किस्मत थोड़ी बताओ जल्दी तू जाना चाहती है मेरे को छोड़ के नहीं जल्दी क्या बोलो मैं डिसाइड नहीं कैसे बोल दूं हां बोलो तू किसी और कमरे का बोलना है पहले ऐसा बोल हेलो कैम्स कोशिश भी मत करना कुछ भी बकैती करने की हां जी अपने ही रूम में से एक इंसान का नॉमिनेशन का नाम लेना है और आप मुझे अभी बताएंगे वो इंसान का नाम क्या डिसाइड हुआ है आप बोल नहीं पा रहे आकांक्षा को फोन दें आकांक्षा ध्यान से टूट यो वाज गुड हाउ आर यू आकांक्षा हां जी बस बढ़िया बस एक ही वर्ड सुनना है मुझे आपसे हाँ जी आप तीनों में से आप बताएं वो नाम जो की नॉमिनेशन में जा रहा है आपके रूम से हमारे रूम से हाँ जी ओके कैम्जी ऑल राइट थैंक यू आकांक्षा मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को ना हाँ हाँ ठीक है तो मैं शो पे आया हूँ बता दो था अभी तुम्हारी बारी भी आएगी एक सुन वरुण से मांग लो अरे यार मैं पता क्या है मैं अपना नाम खुद नहीं देता छोटे भाई वरुण हाँ जी भाई भाई एक बात बताओ हाँ जी ये ट्रंप का क्या सीन है वो बोल रहे जब हमें इश्यू ऑफ करेंगे तो पंखा करना उससे बस समझ आ गया हेलो ट्रंप का डागर गार्ड का एक ही मतलब है बिल्कुल Are you doing house guest? Amazing. अरे मतलब मेरे nominations का कोई असर नहीं हुआ amazing. दिव्या जी सर आपने किस logic से अपने आप को nominate किया मुझे बताइए फिर मैं आपको उसका कुछ तर्क दूंगा सर इस रूम में जितने लोग nominate हो चुके हैं बहुत बार हो चुके हैं 3 हफ्ते हुए हैं इसलिए अपने आप को nominate किया nomination में जब आप जाते हो तो क्या होता है हाँ और आप पॉपुलर हैं जिस तरह से ये लोग आपको बता रहे थे 1.5 मिलियन ऑन सोशल मीडिया यस पर आप अपने फैंस की परवाह नहीं करते नहीं नहीं यार आपको समझ में नहीं आया ये कॉन्वर्सेशन चल रही है वहां पर जहां पर आपने बोला अगर वरुण हुआ वहां पर तो बाकी तीन बोलते हैं वरुण क्या बेवकूफ है जो अपने आप को वो नॉमिनेट करेगा पर आप हैं वो बेवकूफ क्या बोलो सर मैंने दिव्या को बोला था कि इनफैक्ट साइजी ने भी बोला था कि अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमको नॉमिनेट कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है और देखिए जिस वक्त ये नॉमिनेशन चल रहा था उस वक्त मैं आपको पूरी तरह से सुन रहा था ठीक है तो जो आपने बकैतियां करी हैं उसमें आपकी कोई गलती नहीं आपने बहुत अच्छा खेला भाई आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय यू गाइस सुपर्ब आपने वन ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिशन को नॉमिनेशन में डाल दिया विच इज हाउ दिस गेम शुड बी प्लेड द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू एडवाइज यू प्रतीक इज ये सब अच्छा खेला तुमने एक ही लाइन खराब बोली मेरी बहन ने मुझे बचा लिया है प्लीज इंडिया मेरी बहन को बचा लेना यूजली हमारे यहां ना भाई जाते हैं मैदान में ठीक है नहीं आपने बोला होगा जेन्युइनली आपको बोलने की जरूरत नहीं है सर मैंने बिल्कुल सच्चे दिल से बोला आपको बोलने की जरूरत नहीं बोलना था मैं कर रहा हूँ सर मैंने ये भी बोला था कम से कम 16-17 किलोमीटर मैंने सिर्फ दिव्या के लिए भागा और मैं जता नहीं रहा सर मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ मेरे दिल में सच्ची इंटेंशन आपके लिए एज अ सिस्टर मैंने आपसे क्या बोला सुनो बड़ा ध्यान से आप भी जानते हो आपने बहुत अच्छा खेला एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेट मी टेल यू किसी को भी नॉमिनेशन में आने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए ये जो दरिया दिली दिखाई है उसका रेपरकशन होगा अभी पता चलेगा लेकिन आई रियली वॉज लविंग इंजॉइंग द गेम यू गाइज वर प्लेइंग बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली हाउ दिस हैज टू बी प्लेड किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि किड्स रूम से दिव्या नॉमिनेट होगी
Now that we know the people who are in nominations this week. Maisha, Shahzad, Nadia, Ria, Divya, and Kams. सब के सब इसी वक्त एक्टिविटी एरिया में आ जाइए एंड वरुण एंड अभिराज अपने ट्रम्प कार्ड साथ में लेकर आइए. इतनी सुंदर शक्लों के साथ बैठे हुए हैं हमारे छह हाउस गेस्ट्स नॉमिनेशंस में. रिया, आपसे शुरू करते हैं. Why do you think आप यहाँ बैठी हैं? सर, जैसे आपसी सहमति से करना था तो चेतना ने मेरा नाम लिया, दानिश ने वरुण से फिंगर चूज करवाए, वो दो में कंफ्यूज था मेरे और चेतना में, ऐसा उसने कहा. तो उसने मेरा नाम लिया और वरुण कुछ बोल नहीं रहा था, पर फिर उसने खुद का लिया और फिर दानिश बोला. सो लास्ट में उसने पता नहीं, और फिर मैंने चेतना का नाम लिया था. तो मैंने बोला सर ने आपसी सहमति से बोला है, तो उन्होंने बोला कि मेजॉरिटी, तो फिर वरुण ने नाम ले लिया. सो उन लोगों का कनेक्शन दानिश और चेतना पहले से साथ में है, और चेतना और वरुण का कनेक्शन अभी हो रहा है, तो बची मैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. पर आपको किससे उम्मीद थी कि वो आपकी मदद करेंगे? वरुण से. आपको नहीं लगता था कि दानिश आपकी मदद करेंगे? नहीं, क्योंकि वो पहले से चेतना के साथ बेडरूम में थे डे वन से, तो ऑफ कोर्स उनका बॉन्डिंग ज्यादा है. मेरा नाम ही तो दो उंगली चूज करी थी वो, बाय लक हुआ कि आपका नाम आ गया, वरना वो उनको ही पता है ना कौन सी उंगली में कौन था. क्यों दानिश जी, आपने उंगली चूज करी थी, वो तो बाय लक हुआ ना कि रिया का नाम आया, या आपने केवल ऐसे घुमाने के लिए किया था? घुमाने के लिए किया. सुपर, नाम मैंने रिया का पहले ले लिया था. मुझे मालूम है, बाथरूम से डिस्कशन हो गया था. डिस्कशन एक वीक पहले, चार दिन पहले हो गया था. वरुण, आपने कोशिश नहीं करी जिस तरह से आप कर सकते थे रिया को बचाने की. अगर उसने चेतना का नाम लिया था तो आप भी लेके 50-50 वोट्स कर सकते थे, पर आपने वो नहीं किया. माय एंटायर डील वाज, मैंने जो अपनी स्टार्ट्स बिठाई थी. देखो, अपनी स्टार्ट्स ना अपनी पॉकेट में रखा करो, पहले भी बोल चुका हूं मैं तुमसे. जिस वक्त जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो. सोल्यूशन मुझे यही दिखा उस टाइम पे, तब मैंने वही डिसीजन लिया. क्या सोल्यूशन लगा आपको? कि अगर बाकी लोग जो मैंने अज्यूम किया था कि जो नॉमिनेट होने वाले हैं, अगर वो हो गए तो रिया का काफ़ी अच्छा चांस है बचने का. आप तो नहीं है फिलहाल इस वक्त बचने का चांस. सो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से पहुंच गई हुआ, ग्रेट. मुझे सिर्फ इतना कहना है मेरे रूममेट्स को कि बाथरूम में जाके प्लानिंग प्लॉटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. वो मुझे बुरा लगा, क्योंकि मैं तीनों से ज़्यादा अटैच हूँ. जो कि मैंने बोला था कि मैं बाकी कमरे से यहाँ पे ज़्यादा फूल मिल पा रही हूँ, पर अभी दानिश ने बोला कि चार दिन पहले ही डिसाइड हो गया था, तो वो मुझे बुरा लग रहा है. क्योंकि जब नॉमिनेशन हुआ तब मुझे जिस तरीके से समझा रहे थे, मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं कि ये लोग मेरे बारे में ऐसे प्लानिंग. मुझे था कि अगर चॉइस हुई एक को नॉमिनेट करने की तो तीनों मुझे ही करेंगे. जैसे मैंने बोला, दानिश और इसका चेतना का पहले से बॉन्डिंग है, और वरुण और चेतना का भी कुछ दिनों से बॉन्डिंग हो रहा है. नेक्स्ट कैम्स, आपको लोगों को समझने का एक बहुत अच्छा गुण है, यू अंडरस्टैंड पीपल. आपको मालूम है
अगर अभिराज के साथ आप बैठ के थोड़ा भी डिस्कशन करते, देयर इज अ फुल चांस दैट अभिराज बोल देता कि तू रुक जा भाई. डू यू नो दैट? सो माई थिंग विद यू इज दैट आपने कोशिश भी नहीं करी कैम्स. यू डिजर्व इट राइट नाउ फॉर दिस वीक फॉर श्योर. अभिराज एंड आकांक्षा, ये तो थोड़ा ईजी था आपके लिए कि कैम्स था, आप जानते नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मायशा होती तो क्या होता? आई वुड हैव टेकन इट. रियली? I would have taken it. सर हम आज लेने वाले थे. अगर फैजी, मैं यही सोची थी जब रूम में अगर फैजी वो आता तो क्या वो होता, तो उसमें I would have tried to, because I wouldn't have wanted to nominate फैजी वो also. I was glad that फैजी वो wasn't sent into my room. That is the reason why I said ये तो आसान था, difficult वाले में मजा आता है. But every single one of you who is sitting in the safe zone, I must congratulate you guys. Good job. Clap for yourselves. Superb. It's a good thing. यही problem है इस घर में. It is good and please, the ones who are nominated should clap for him. They did a better job than you guys. आप तो ऐसे थाली में देखे गए हो. Moving on to mastermind का twist two. किस किस के पास ट्रम्प कार्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लैप फॉर द पीपल हु वन द ट्रम्प कार्ड एंड हमारे टास्क हीरोज. एक जिसका साथ दिया सब लोगों ने, एक जिसने प्रॉमिस किया साथ देने का लोगों को. आई होप ये डिसीजन आप खुद लें. आपकी पावर यह है कि आप एक एक हाउस गेस्ट को और नॉमिनेशन में डाल सकते हैं अपने रूम से. इफ यू डोंट वॉन्ट टू नॉमिनेट एनी वन फ्रॉम योर रूम्स, आपस में डिसाइड करके जितने भी 6 नॉमिनेटेड लोग यहां बैठे हैं उनमें से किसी भी एक को अभी इसी वक्त घर भेज सकते हैं. दैट इज द पावर ऑफ ट्रंप कार्ड. जिसका भी नाम आप लेंगे वो इसी वक्त शो को छोड़कर चला जाएगा या चले जाएगी. दिस इज योर फर्स्ट सरप्राइज एलिमिनेशन. वरुण, अभिराज, आपने डिसीजन ले लिया है. हाँ जी. तो क्या आज कोई यहाँ से जा रहा है? हाँ जी. और आप किसी को नॉमिनेशन में नहीं डाल रहे हैं? नहीं. किसी को कुछ भी कहना है यहाँ पर तो प्लीज, ये वो वक्त है जो आप अपने लिए बोलें, बिकॉज अगर आप नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब यही है कि यू डोंट केयर. Just like to say, I know Varun is very smart and he'll take his decisions very smartly. शहजाद, यही कहना चाहूंगा कि ये जरूर दोनों जने याद रखेंगे, दोनों के पास अगर ट्रम्प कार्ड है तो वो किस वजह से है. रिया, सर मैंने लास्ट टास्क में मेरे डंबल्स इन्हीं लोगों को दिए थे क्योंकि मैं दिव्या के साइड थी पहले, पर फिर मैंने सोचा कि वरुण मेरा रूममेट है, अगर पावर आया तो रूम के पास आएगा. और अभिराज को मैंने डंबल्स दिए थे, प्रॉमिस लिया था उससे कि तुम मुझे सेफ करोगे,
और वरुण को भी मैंने प्रॉमिस उससे लिया था। अनफॉर्चुनेटली उनके पास पावर सेव करने की नहीं है, पर आई होप वो जो भी डिसीजन लेंगे सेफ लेंगे, मेरे मेरे अगेंस्ट नहीं लेंगे उतना मुझे है, क्योंकि उन्होंने मुझे जबान दी है और मैं भरोसा करूंगी उस पर। नादिया, वेल वरुण से मेरी पिछली बार इस चीज़ पे बहस भी हुई थी, तो वरुण ने ये बोला था मुझे कि नादिया तुम्हारी आवाज़ सिर्फ उस टाइम पे आती है जब तुम नींद से उठती हो, तो आई वॉन्टेड टू से समथिंग टू वरुण बट आई डिड नॉट दैट, कि वरुण आप भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इट डजंट मीन कि आप रूम में रह के गेम नहीं खेल रहे हैं, आपको नहीं पता कि अगले रूम में क्या हो रहा है। अभिराज एंड वरुण हमें बताएं। हमने कलेक्टिवली फैसला लिया कि आज हम नादिया को घर भेजना चाहेंगे। अब बताएं नादिया को आप क्यों घर भेजना चाहेंगे? कपल ऑफ रीजंस। वन, आई थिंक अभी भाई एक ऐसे इंसान है और मैं भी, इसको कंपटीशन बहुत पसंद है। अगर मैं कंपटीशन से हारा भी तो बुरा नहीं लगता, उसका वो हंगर नहीं दिखता, उसका वो विल नहीं दिखता। अगर वो चेंज की बात कर रही है तो कल तक तो उसको जाना था, और आज वो बोल रही है कि मैं चेंज हो गई हूँ एकदम से। स्लीपिंग लेस इज़ नॉट द सोल्यूशन, बीइंग पार्ट ऑफ द गेम इज़ द सोल्यूशन, एंड आई डोंट थिंक शी इज़ पार्ट ऑफ द गेम, एंड वो इन्वॉल्व नहीं लगती मुझे। और अभी भाई प्लीज़ गो बैक टू योर सीट्स। नादिया आ जाइए सेंटर में। नादिया, आप अपने हाउस गेस्ट्स के साथ उस तरह से घुल मिल नहीं पाई या कोई कनेक्शन नहीं ले पाई कि उन्होंने ये सोचा कि आपको मौका दिया जाए। What do you have to say to them? I understand, I know Varun. He is a absolutely brave person, like the bravest person I've ever seen in my life. And I know he's a good soul. मुझे पता है बाहर आके हम लोग फिर बात करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ये गेम है। आई अंडरस्टैंड, अगर शायद मैं वरुण की जगह पे होती मैं भी यही डिसीजन लेती, और अभिराज के पास सीरियसली कोई ऑप्शन नहीं था, आई नो। और जब ये लोग साथ में रूम पे आए थे मैं बहुत खुश थी, बिकॉज आई हैव बीन इन अ सीरियस रिलेशनशिप, सो आई नो हाउ इट फील्स जब साथ में नहीं रहते हैं। तो अभिराज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, आई अंडरस्टैंड, और वरुण ने भी बिल्कुल सही डिसीजन लिया है उसके हिसाब से। शहजाद पार्टी करेंगे बाहर, आती जाती पार्टी। मायशा इतनी लड़ाइयाँ करी हैं, चलो अच्छा जा रही है। अभी अभी बात करने लगी थी। अरे उसको रहना नहीं है, सोती रहती है, बाहर निकालो उसको यहाँ से। शहजाद से पक गई थी, एटलीस्ट थोड़ा नया इंटरेस्ट आ गया था हमारे रूम में, ज्यादा प्यार हो रहा था, वो तो बेचारा थोड़ा। हाँ ये मेरे पे लाइन मार रही थी सर आज। आई एम ग्लैड on how beautifully you have changed from you were 2 days ago to how you are taking this and beautifully playing the game and leaving it with so much grace. Thank you so much. Thank Nadia. You so much. All the best guys.